नमस्ते दोस्तों, टेक एडीसी प्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया फ्रेंड्स नाबार्ड की तरफ से। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी ये पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। और आप ऐसे बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब या स्टेट लेवल के जॉब नोटिफिकेशन पाना चाहते तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है 14 सितंबर 2019 से चालू हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है यहाँ पे 2 अक्टूबर 2019। देन यहाँ पे आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाली है वो डेट दिया है 20 अक्टूबर 2019, और जैसे आप प्री एग्जाम क्रैक करते हैं आपकी यहाँ पे मेंस एग्जाम होने वाली है, तो वो डेट यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस सेपरेटली ऑन नाबार्ड वेबसाइट। तो यहाँ पे नाबार्ड की वेबसाइट दिया है www.nabard.org, तो जो मेन्स एग्जाम है उसकी जो डेट है बाद में वेबसाइट में अनाउंस हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज दिया है डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में टोटल 2 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ में 5 वैकेंसीज है, गुजरात में 4 है। आप आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो टोटल फ्रेंड्स है डेवलपमेंट असिस्टेंट की 82 वैकेंसीज है। देन हम यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे स्टेट वाइज देख सकते हैं, इसके लिए टोटल 9 वैकेंसीज है। देन हम यहाँ पे देखेंगे एज क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है 18 इयर्स होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है 35 इयर्स एज होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1984 एंड नॉट लेटर देन 1 सितंबर 2001, तो ये डेट्स के बिटवीन आपका बर्थ डेट होना चाहिए। बाकी भी अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते तो आप यहाँ पे एज रिलेक्शन भी चेक कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन की जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट इन पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, दैट इज शुड बी एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अगर आप कोई भी स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जो स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे आना जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हैं तो आपको मराठी राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग भी आना चाहिए, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे जो सिलेबस है वो देखेंगे हम, तो जो फर्स्ट पोस्ट है डेवलपमेंट असिस्टेंट की, इसमें टोटल 3 टेस्ट आपके होने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40, मार्क्स भी यहाँ पे 40 रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30, मार्क्स भी यहाँ पे 30 रहेंगे। देन यहाँ पे रीजनिंग के लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30 और मार्क्स भी यहाँ पे 30 रहेंगे। तो टोटल टाइम आपको यहाँ पे 60 मिनट्स मिलेंगे। देन हम यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे, तो टोटल यहाँ पे 5 टेस्ट दिया है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश नॉलेज डिस्क्रिप्टिव। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन से 30, मार्क्स भी यहाँ पे 30 दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन से 30, मार्क्स भी यहाँ पे 30 दिया है। देन जनरल अवेयरनेस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन से 50, मार्क्स भी यहाँ पे 50 दिया है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन से 40, मार्क्स भी यहाँ पे 40 दिया है। देन जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको एसे, प्रिसाइज राइटिंग, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग ये टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे टाइम भी दिया है कंपोजिट टाइम ऑफ 90 मिनट्स फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो जो ये ऑब्जेक्टिव की जो टेस्ट है उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे एंड 30 मिनट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, और ये पेपर रहेगा आपका 200 मार्क्स का। देन यहाँ पे जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की जो पोस्ट है उसका भी यहाँ पे सिलेबस दिया है, फर्स्ट यहाँ पे इंग्लिश, देन प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ हिंदी एंड रीजनिंग। तो इंग्लिश में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन से 40, मैक्सिमम इसमें मार्क्स दिया है 40, हिंदी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन से 30, मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स दिया है 30। देन टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए है नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स दिया है 30, और ये पेपर रहेगा आपका 60 मिनट्स का रहेगा। देन यहाँ पे जो मेन एग्जाम होने वाले इसका भी सिलेबस दिया है, टोटल यहाँ पे 5 टेस्ट दिया है, फर्स्ट यहाँ पे रीजनिंग, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20, मैक्सिमम इसमें मार्क्स दिया है 20। देन प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी का जो टेस्ट है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, मैक्सिमम इसमें मार्क्स दिया है 50। देन जनरल अवेयरनेस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40, मैक्सिमम इसमें मार्क्स है 40। इसी के साथ कंप्यूटर नॉलेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40 और मैक्सिमम इसमें मार्क्स है 40। और जो लास्ट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50। तो टोटल ये मेंस का पेपर रहेगा आपका 200 का, और जो टाइम ड्यूरेशन है ऑब्जेक्टिव के लिए 90 मिनट्स, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसके लिए 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। देन यहाँ पे जो पे स्केल है वो देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,650 से लेके 34,990 पे स्केल यहाँ पे दिया है। इसी के साथ जो बाकी भी जो बेनिफिट्स है जैसे कि न्यूज़पेपर अलाउंस, ब्रीफकेस अलाउंस, ये भी अलाउंसेस आपको इसमें मिलेंगे।
देन यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन फी। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे टोटल 50 रुपीज फी है। देन जो अदर है जैसे कि ओबीसी ओपन के लिए तो टोटल यहाँ पे 450 नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल यहाँ पे वेबसाइट है www.nova.com, तो वहां पे करियर का जो ऑप्शन है वहां पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। इसके रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स या क्वेरीज है तो ये जो नोटिफिकेशन की पूरी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और आप ऐसे ही बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।